गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हुआ है 9:30 बजे का टाइम हुआ है और मैं आपको बता देती हूँ कि आज है करवा चौथ। तो सभी सुहागिन स्त्रियों को मेरी तरफ से सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर मैंने सब्जी बना दी है, उसके बाद जैसे ही मैं नहा के आई सबसे पहले मैंने सब्जी बनाई, उसके बाद मैंने पूजा के बर्तन क्लीन किए, फिर उसके बाद मैंने पूजा करना स्टार्ट किया क्योंकि है ना ये मतलब गए हुए थे ड्यूटी और ड्यूटी से आ गए थे। फिर उसके बाद है ना जल्दी जल्दी मैंने पहले सब्जी बना दी, आटा भी गूंथ के रख दिया था, उसके बाद जो है मैंने पूजा की थी क्योंकि है ना पहले इनका काम ज़रूरी था क्योंकि ये मतलब रात में जाग के आए हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे इनका काम फ्री कर देती हूँ और यहाँ पे हो गई है फाइनली पूजा। तो आप लोग बताइए कि भगवान कैसे लग रहे हैं, नहाने के बाद बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और पूजा कम्प्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर सुबह सुबह पूजा हो गई है और उसके बाद मैं यहाँ पर डेली ही सूर्य भगवान को जल देती हूँ। तो उनको जैसे डेली देती हूँ वैसे भी आज भी मैं उनको है ना जल दे रही हूँ। तो बस यहाँ पे हो गई है पूजा एवरीवन। तो अभी बजे हैं 10 और पूजा हो गई है कंप्लीट घर की। अब जाऊँगी मैं मंदिर, तो कॉलोनी में जो शिव जी का मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है मैं वहीं जाऊँगी। तो मैं डेली करती हूँ पूजा, मंदिर डेली जाती हूँ, तो आज भी जाऊँगी। और मैंने लगाई थी रात में ऐसी वाली मेहंदी, एक्चुअल में है ना वैसी वाली मेहंदी जो होती है ना डिज़ाइन वाली, वो बनाने को तो बहुत लोग बना लेते हैं, यहाँ उमा भी बना लेती है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मुझे यही अच्छी लगती है। मुझे उसमें बहुत झंझट लगती है, बहुत देर तक ऐसे ऐसे करे रहो फिर वो सुखाओ फिर वो, तो मुझे तो यही अच्छी लगती है। रेड वाली मेहंदी लो, तुरंत लगाओ तुरंत हटाओ और यही अच्छी लगती है। और मैंने लगाई है अपने पैरों पर भी मेहंदी, ये तो पैरों की मेहंदी तो मुझे ऐसी वाली अच्छी लगती है, और पैरों पर मेहंदी मुझे ऐसी ही अच्छी लगती है, हाथों में मुझे ऐसी ही अच्छी लगती है जो भगवान लगाते हैं ना माताएं लगाती हैं, ऐसी वाली मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। तो मेहंदी हो गई है कंप्लीट, अब जा रही हूँ मैं मंदिर और ये गए हैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए, वहाँ से जाएंगे। ये कुछ सामान मंगाया है मैंने पूजा का तो वो लेके आएंगे और पूरे घर का काम पूरा हो चुका है और बस अब मैं जाऊँगी मंदिर पर पूजा करने के लिए और फिर मिलती हूँ आपसे जो भी होगा रूटीन आपके साथ शेयर करती। तो चलो मंदिर चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। मैं मंदिर होके आई हूँ और ये आ गए हैं घर, तो ये सामान लेके आए हैं और थोड़ा सामान ले गया। चलो हम मैं बना लेती हूँ खाना। तो गाइस यहाँ पर मैं ना जल रही हूँ, ऐसे कॉफ़ी बना रही थी ना तो गिलास की जगह मेरे हाथ पे है ना गरम गरम खोलता हुआ दूध गिर गया। तो करवा चौथ के दिन इतना बड़ा कांड हो गया, ये पूरी है ना जल गई, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इसमें। और मुझे लग रहा है कि शाम को मैं चूड़ी वगैरह भी कैसे पहनूंगी क्योंकि ये जल गया, अब इसमें घुसना मुश्किल हो जाएगा हाथों में। और ये बहुत ज़्यादा यहाँ ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन हो रही है इसमें। मैंने है ना अभी कोलगेट लगा लिया है और पक्का इसमें फलक होंगे क्योंकि अभी से ही मुझे महसूस होने लगा, बहुत दर्द हो रहा है। कॉफ़ी बनाते बनाते यार ये जैसे ही आए बच्चों को ट्यूशन से छोड़ के और सामान लेके, तो मैंने इनसे पूछा कि चाय पियोगे कि कॉफ़ी, तो इन्होंने कहा तुम्हारा मन हो, तो मैंने कहा कॉफ़ी बना देती हूँ, कौन अदरक कूटेगा कौन वो छानेगा। मैंने दूध लिया और उसको अच्छा सा खोला लिया और फिर मैंने उसको ऐसे धार बनाई तो वो गिलास की जगह ना मेरे हाथ पर पूरा गिर गया और कुछ मेरे सूट पर गिर गया। तो बस बहुत ज़्यादा खोलता हुआ दूध था तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो गया और आज इतना बड़ा कांड कर लिया मैंने, अब चूड़ी भी मैं कैसे पहनूंगी। कुछ ना कुछ हो ही जाता है ना, कुछ तो जल्दी जल्दी में काम करती है तो कुछ ना कुछ तो उल्टा होना ही है। और मम्मी नहीं है, मम्मी चली गई है गांव, मम्मी होती तो मुझे काम का इतना प्रेशर नहीं रहता, मेरे ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है ना, इसलिए और जल्दी से भड़बड़ा जाती हूँ कि ये भी करना है वो भी करना है और इसलिए मेरा हाथ जो है चल गया। दोबारा से नहा दिया है और अभी नहा के मैंने है ना खीर बना दी है, मटर पनीर की सब्जी बना दी है और पूजा के लिए पूड़ी है ना सेक दी है। और अब बज गए हैं 7 तो मैं होने वाली हूँ रेडी। तो मैंने बाल है ना वॉश कर ली, वैसे थर्सडे था तो फिर भी अब रात का टाइम हो गया था तो हर बार करती हैं, तो फिर मैंने कहा चलो पूजा में तो ये सब चल जाता है, तो मैंने बाल वॉश कर लिए थे
और अब जा रही हूँ मैं रेडी होने के लिए, तो चलो फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और बस कुछ इस टाइप से मैंने हेयर स्टाइल बनाई है और ये मैंने साड़ी पहनी है। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरी साड़ी कैसी लगी और मेरा मेकअप कैसा लगा, ठीक है। मैं हो गई हूँ रेडी, तो फाइनल लुक ये है मेरा, जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि किसी की हेल्प नहीं है ना इसलिए। तो चलो बस मैं हो गई हूँ रेडी और बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, तो चलो कर लेती हूँ जल्दी से फटाफट से पूजा की सारी तैयार। अभी मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि बगल से हमारे पड़ोस से उमा भी आएगी पूजा करने के लिए, तो वो रेडी हो रही है अभी, मतलब इतना टाइम नहीं हुआ है, 7:30 बजे हैं, तब तक हम लोग पूजा कर लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है, ये मेरी सुहाग वाली जो साड़ी होती है ना, जो सासू माँ को दी जाती है ना, वो वाली साड़ी रखी है और ये सारा सामान मैंने यहाँ पर रखा है। तो बस अभी कर लूँगी मैं तो पूजा और बस थोड़ा सा टाइम है, तो चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पे हम लोग आ गए थे नीचे और थोड़े से फ़ोटो वगैरह क्लिक किए, उसके बाद इनको फिर से दोबारा ड्यूटी जाना था, इसलिए इन्होंने कपड़े चेंज नहीं किए थे क्योंकि ये ड्यूटी टाइम में ही थे, तो वहाँ से आए हुए थे, तो इन्होंने कहा कि पहले चेंज करूँगा फिर मुझे जाना है, इसलिए तो मैं ना इसी वर्दी में पूजा कर दूँ, तो इसलिए इनकी इसी वर्दी में पूजा मैंने कर दी। और है ना, अब मैं जा रही हूँ पूड़ियाँ सेकने के लिए क्योंकि ये बोल रहे थे कि जल्दी जाना है मुझे। और यहाँ पे बनाई थी मैंने शाही पनीर की सब्जी थी, खीर थी और पूड़ी थी, बर्फ़ी थी, बस यही सब बनाया था। तो चलो खा लेते हैं खाना, फिर ये निकलते हैं। फ्री नहीं हुई हूँ अभी, तो बर्तन क्लीन करने हैं और बच्चे कल इनका एग्ज़ाम है स्कूल जाएंगे, तो इनकी जो है सारी बुक वगैरह जो भी है इनका बैग वगैरह रेडी हो चुका है और करवा चौथ कुछ ऐसी रही। और ये खाना खा के लेट रहे हैं क्योंकि ये जाएंगे अभी ड्यूटी।
चलो व्लॉग को एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, लव यू, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, बाय बाय, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, बाय।